गाइस मैंने कुछ टाइम पहले आपको अवोकाडो क्रीम के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम अवोकाडो क्रीम को किस प्रॉब्लम के लिए उसमें ले सकते हैं, ये जो क्रीम हमारे स्किन से एक्ने को, पिंपल्स को और हमारे चेहरे को गोरा करती है या नहीं। तो गाइस आज के वीडियो में आपको इस क्रीम के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस आपके वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि अवोकाडो जो क्रीम है ना दो टाइप की आती है, एक आती है अवोकाडो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम और एक आती है अवोकाडो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो गाइस इन क्रीम के इंग्रेडिएंट के बारे में बात की जाए तो इन दोनों के इंग्रेडिएंट लगभग सेम है, लेकिन जो अवोकाडो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग क्रीम है उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि आपके चेहरे को जल्दी गोरा करते हैं। तो गाइस अब बात करती है इस क्रीम की प्राइस की, तो गाइस आपको अवोकाडो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है ये आपको 50 ग्राम का जो पैक है ना आपको 500 रुपये के आसपास इजीली मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक यार ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो अवोकाडो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग क्रीम है ये आपको 25 ग्राम का पैक आपको 750 के आसपास इजीली मिल जाएगा। और गाइस सर मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर अवोकाडो जो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग क्रीम है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, गाइस अगर आप इस क्रीम को बाय करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने जो आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है ना आप उनको बोलना कि हम ब्यूटी टिप्स चैनल से आए हैं तो हमको आप कुछ डिस्काउंट दीजिए, अगर आप उनसे बाय करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, इनसे आप बात करके डिस्कस करके इस क्रीम को ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ठीक है। और गाइस इस क्रीम को आपको नाइट में यूज में लेना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने स्किन पर अप्लाई करना और रात भर छोड़ देना है। तो गाइस अब बात करती है इस क्रीम के बेनिफिट की, गाइस अगर आप भी इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो स्किन व्हाइटनिंग के लिए, अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, तो बिल्कुल उसमें ले सकते हो। गाइस ये जो क्रीम ना आपके चेहरे को सच में गोरा करती है और आपके चेहरे पर जो एक्ने पिंपल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं उनको भी रिमूव करती है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरह का ग्लो नहीं है या आपके चेहरे पर किसी भी तरह की चमक नहीं है तो भी आप इस क्रीम को बिल्कुल उसमें ले सकते हो। गाइस इस क्रीम का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और गाइस जहाँ तक इस क्रीम के रिजल्ट की बात आती है तो गाइस इस क्रीम के जो रिजल्ट है ना आपको 10-15 दिनों में देखने को मिल जाती है, जो अवोकाडो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है ना उसके रिजल्ट आपको 15-20 दिन में देखने को मिलते हैं, और जो अवोकाडो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग क्रीम है उसके रिजल्ट गाइस आपको 5-6 दिन में देखने को मिल जाती है। इसलिए अगर आप दोनों में से कोई भी क्रीम यूज़ करना चाहते हो स्किन व्हाइटनिंग के लिए तो बिल्कुल उसमें ले सकते हो। गाइस आपको जल्दी रिजल्ट अवोकाडो एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग से मिलेगा क्योंकि तो उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के इंग्रेडिएंट डाले जो कि आपके चेहरे को जल्दी लाइट करते हैं, और जो अवोकाडो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम होती है ना गाइस उसके भी रिजल्ट है लेकिन थोड़े से स्लो आते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आपने रातों रात इस क्रीम को यूज़ किया और आपको रातों रात गोरापन मिल जाए, यार ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने में आपको टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने चेहरे को बिना किसी साइड इफेक्ट के गोरा करना चाहते हो तो आप अवोकाडो क्रीम को बिल्कुल उसमें ले सकते हो, क्योंकि यार मार्केट में काफ़ी सारी स्टेरॉइड क्रीम आती है जो कि आपको बोलते हैं कि आप इस क्रीम को यूज़ कीजिए आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, लेकिन गाइस उस क्रीम में काफ़ी ज़्यादा केमिकल होती है। तो इसीलिए अगर आप अपने चेहरे को बिना किसी साइड इफेक्ट के फेयर करना चाहते हो तो आप अवोकाडो क्रीम को बिल्कुल उसमें ले सकते हो। अगर आप इस क्रीम को ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, इनसे आप बात करके डिस्कस करके इस क्रीम को ऑनलाइन बाय कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।